हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप कैसे पॉकेट स्फिनिक्स को इंस्टॉल कर लेंगे अपने पाइथन में। मतलब कि पाइथन की मदद से आप पॉकेट स्फिनिक्स का कोई प्रोग्राम बनाया है तो फिर वो इंस्टॉल नहीं हो रहा होगा, उसका कारण भी मैं अभी बताने वाला हूँ। तो फिर ऐसा है ना कि मैं फटाफट से बताता हूँ कि क्या करना क्या है। तो फिर फटाफट से हम लोग जो है अपने जो प्रोग्राम बनाया है जरा उसको देख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने जो प्रोग्राम बनाया दिखाता हूँ, फ्रॉम पॉकेट स्फिनिक्स इम्पोर्ट लाइव स्पीच फॉरन लाइव स्पीच प्रिंट आई। वैसे तो ये बहुत बेकार रिकॉग्निशन करता है, पुअर रिकॉग्निशन है। तो फिर उसका दूसरा ऑप्शन यह है कि आप इसका लैंग्वेज मॉडल जो है सुधार दें। अगर एक बार लैंग्वेज मॉडल सुधारते हैं तो ये सही हो जाएगा। अब आपको करना क्या है मैं ये बताता हूँ। तो फिर अपना टर्मिनल आप खोल लीजिए और फटाफट से आप उसी ड्राइव में आ जाइए जहाँ पे आपका पॉकेट स्पिनिक्स है। तो मैं फटाफट से वहीं पे जा रहा हूँ। सीडी सी यूजर्स डेस्कटॉप सॉरी ABC है। तो ये मैं उसमें जा रहा हूँ और एक फोल्डर है पब्लिक, इसी के अंदर है। और अब मैं दिखाता हूँ कि इसमें आखिर है क्या क्या। तो फिर ये देख लीजिए, यहाँ पे हेलो डॉट पाई है। तो फिर मैं अगर लिखूँ पाई इंस्टॉलर हेलो डॉट पाई और ये रन करना शुरू कर दिया है और ये रन हो रहा है। और अब हो रहा है और ये हो रहा है और ये बहुत स्लो भी है। तो फिर अब जो है मैं सीडी करके डिस्ट में आ जाता हूँ जहाँ पे ये बना हुआ है। तो फिर एक डिस्क नाम का फोल्डर मिलेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। जब ये बिल्ड हो जाएगा तो फिर इसके अंदर एप्लीकेशन है हेलो के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे सीडी हेलो। अब जो है मैं आ चुका हूँ और अब टर्मिनल भी क्लियर कर देता हूँ। और अब जो है हम लोग एक्सिक्यूट करेंगे हेलो को। हेलो .exe। तो फिर ये जो है ऐसे रन नहीं होगा, इसको तो मुझे कमांड प्रॉम्प्ट में रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलूंगा और यहाँ पे लिखूंगा हेलो .exe। अब देखिए यहाँ पे एरर थ्रो किया, नो मॉड्यूल नेम्ड स्फिनिक्स बेक्स डॉट अंडरस्कोर एड अंडरस्कोर win32। तो फिर इसका कोई यूज नहीं है। तो फिर मतलब कि पाई इंस्टॉलर से इसको इंस्टॉल करना नामुमकिन है। आपको स्विग वगैरह का ध्यान रखना होगा जो कि विंडोज प्लेटफॉर्म पे शायद से सपोर्ट नहीं करता। तो फिर जो है मैं इन फोल्डर्स को डिलीट कर दूंगा और बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो फिर आपको एक सेटअप डॉट पाई नाम की एक अलग फाइल बनानी है और एक मॉड्यूल को आपको इंस्टॉल करना है। मैं उस मॉड्यूल का नाम बता देता हूँ, आपको लिखना होगा पिप इंस्टॉल। आपके मॉड्यूल का नाम है cx_freeze। देख लीजिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है। तो फिर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब जो है सेटअप डॉट पाई को हम लोग ओपन करेंगे। हाँ बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो ये देखिए, और इसको आपको ऐसे समझ आएगा तो फिर आइडियली से ओपन करते हैं, यहाँ ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। आई डू विद आइडियली और उम्मीद आपको दिख रहा होगा। इम्पोर्ट cx_freeze रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ फ्रॉम cx_freeze इम्पोर्ट सेटअप और एग्जीक्यूटेबल, दो मॉड्यूल्स को हमने इम्पोर्ट किया। बिल्ड exe ऑप्शंस पैकेज OS, इसको जो है मैंने कॉपी किया है डॉक्यूमेंटेशन से, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो फिर इसका कोई काम नहीं है। तो फिर इसको जो है मैं हटा देता हूँ। तो फिर और बेस इज इक्वल टू नन, इसका भी मुझे कोई काम नहीं है इस टाइम। और अब मेन चीज़ ये है। तो फिर यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम जो है मैं बदल दूंगा और इसका नाम रखूंगा हेलो हेलो माई जियो एप्लीकेशन, नहीं माई एप्लीकेशन कर देता हूँ बस। और ये जो है सर डन हो गया है। ऑप्शंस क्या है, बिल्ड exe देख लीजिए, एग्जीक्यूटेबल्स में क्या है एग्जीक्यूटेबल, और आपके स्क्रिप्ट का नेम हेलो डॉट पाई, और नेम क्या है, वर्जन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, और कॉमा कॉमा लगा दीजिएगा। ऑप्शंस क्या है, एक डिक्शनरी लेता है बिल्ड exe ऑप्शंस, और इसके साथ साथ इसमें पैकेजेस बिल्ड exe ऑप्शंस में पैकेजेस में जो है OS को नहीं डालना है और इसमें जो है मुझे सिस्को डालना होगा। तो फिर यहाँ पे सिस लिख देते हैं। वैसे मैंने पता नहीं कि इसको इंपोर्ट कर दिया सिस कॉमा, और एक OS की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम होगा पॉकेट स्फिनिक्स और आपका सब कुछ डन। और इसके साथ ही अब हम लोग इसको कंट्रोल S से सेव करेंगे। और अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको जो है कमांड विंडो को इधर ही खोलना है। और मैं यहाँ पे अपना
शेल खोल लेता हूँ वापस से, और फटाफट से मैं इसको चेंज कर देता हूँ। और अब डेस्कटॉप के अंदर पब्लिक आ गए हैं, और अब क्लियर कर देते टर्मिनल। और अब यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, पाइथन सेटअप डॉट पाई बिल्ड, बस आपको इतना करना है और सारा काम आगे कर देगा। हो गया, देखा कितना फास्ट किया और कितना जल्दी कर दिया। और आपका जो एप्लीकेशन है वो ये रहा 20 KB का। शिफ्ट दबाकर अपने कमांड विंडो हेयर करेंगे और हेलो डॉट exe को एग्जीक्यूट कर देंगे। हेलो, यू हैव वेरी बैड रिकॉग्निशन, वेरी बैड रिकॉग्निशन। मैं तो सजेस्ट करूँगा आप इसको ठीक कर सकते हैं, वो वैसे ही दिखता है। और अगर आप पॉकेट स्क्रीनिक्स में इधर लाइब्रेरीज में जाकर देखें तो फिर आपको मॉडल चेंज आएगा। इसमें एक लैंग्वेज मॉडल है ENUS में .lm करके, एक लैंग्वेज मॉडल आपको मिलेगा। ये देखिए ENUS.lm, इसको ओपन करेंगे एक्चुअली ऐसे रीड नहीं कर सकते, तो फिर इसको जो है मैं कट कर देता हूँ। और मेरा लैपटॉप हीटिंग होना शुरू हो गया, उम्मीद है आपको ये काफ़ी हेल्प किया होगा। और CX फ्रीज आपको कैसे इंस्टॉल करना है आपको ये पता चल गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।